हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे दो सम्स के ऊपर, SERMS, सम्स, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। तो इसमें आती हैं क्लोमिड और नोल्वाडेक्स, यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट एंड टोमोक्सिफेन सिट्रेट। तो आज बात करेंगे इन दोनों ड्रग्स के ऊपर। उससे पहले कुछ चीज़ें, पहली चीज़, कुछ लीगल रेगुलेशंस की वजह से हमें एप्लीकेशन को भी डाउन करना पड़ा है। बहुत ही जल्दी हम उसे अप कर देंगे जैसे ही वो लीगल प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाती हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अप ऑल्सो, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जैसे ही हमारी एप्लीकेशन दोबारा से अप होगी। अलावा जो है कि जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वो जाके फॉलो कीजिए। बहुत सारे आप क्वेश्चन जो है इनबॉक्स में करते हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर इनबॉक्स में देना तो बहुत मुश्किल है। तो आप जो है इंस्टाग्राम पे आके करिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, मुझे भी आंसर देने में आसानी रहेगी। फॉर दोस्त जिनको पता एप्लीकेशन के रिलेटेड इश्यूज आ रहा था, जैसे ही वो शॉर्ट होता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सम्स कैटेगरी के अंदर आती हैं दो मेडिसिन, क्लोमिफाइन सिट्रेट और टोमोक्सिफेन सिट्रेट। तो अभी इसको हम ध्यान से देखें तो ये बहुत अलग नामों से बिकती हैं, जैसे कि क्लोमिड, नोल्वाडेक्स और ऐसे इनके कई नाम और हैं जिनसे बिकती हैं, इनके कंपाउंड नेम यही हैं दो। ये दोनों एक चीज़ के लिए सिमिलर काम करती हैं और उसमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा। लोग इन दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जब वो PCT कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग साइकिल भी कर लेते हैं। तो कौन सी ड्रग कहाँ यूज़ करी जाएगी, कौन सी में क्या डिफरेंस है, किन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सबके ऊपर बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इन ड्रग्स को क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ 1956 के अराउंड बाय विलियम एस मेरल केमिकल कंपनी, इस कंपनी ने इस ड्रग को फाइंड किया था इन 1950। के बाद ये दवा मेडिकली इशू कर दी गई 1959 में, मगर उसके बाद इसको फिर से बंद किया गया। इसके ऊपर कुछ केमिकल स्टडीज और कंडक्ट की गई और 1962 में फिर से रिलीज हुई। उसके बाद 1967 के अंदर WHO ने इस ड्रग को अडॉप्ट कर लिया, ये अप्रूव ड्रग हो गई और इसको लोग जनरली यूज कर सकते थे ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। आप इसको डायरेक्टली जाके नहीं खरीद सकते थे, मगर अभी आपको पता है इंडिया में तो कहीं पे भी आप जाके बोल दो तो मिल जाता है आपको ये। तो उसके बाद आती है हमारी दूसरी ड्रग, वो है टोमोक्सिफेन सिट्रेट यानी कि नोल्वाडेक्स। ये दवा 1962 में बाय डॉक्टर डोरा रिजेट्स के थ्रू रिसर्च की गई थी और ये उसी समय अप्रूव कर दी गई थी फॉर मेडिकल यूज। तो ये 1962 से यूज हो रही ड्रग है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों की यूसेज के ऊपर, ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे एक लिस्ट कर लेते हैं। एक जगह पे हम रखते हैं टोमोक्सिफेन सिट्रेट यानी कि नोल्वाडेक्स को और दूसरी तरफ रखते हैं हम क्लोमिड को। तो क्लोमिड यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट, तो ये जो दो ड्रग्स हैं ये दोनों अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों ही ड्रग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में यूज़ की जाती हैं, यानी कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी या कंसीविंग से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वहाँ पर इन दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अलावा क्लोमिफेन सिट्रेट का एज सच मुझे कोई ज़्यादा यूजेस नहीं दिखे हैं, जो इनके जहाँ पे टोमोक्सिफेन सिट्रेट के और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है, गायनोकेमिस्ट्रिया के अंदर भी मेल्स के अंदर टोमोक्सिफेन सिट्रेट का ही यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ प्यूबर्टी के लिए भी जो है टोमोक्सिफेन सिट्रेट का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पे क्लोमिड का नहीं किया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारी वीडियोस में बोलते हैं कि क्लोमिड कम स्ट्रांग है, टोमोक्सिफेन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यही वो मेन डिफरेंस है जिनकी वजह से टोमोक्सिफेन को स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पैकेट। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों ही मेडिसिन मेल के केस में या वो जो सो कॉल्ड जिम जाने वाले लोगों के केस में किस तरह से यूज़ की जाती हैं, कि वो लोग इस दवा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और बॉडी में एक्चुअली ये कैसे एक्ट कर रही हैं जाके। तो बेसिकली ये आती हैं सम्स कैटेगरी के अंदर यानी कि सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इस टर्म्स का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, जो मैंने एक बड़ी सी लाइन बोल दी अभी आपके आगे, इसका मतलब ये है कि ये आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगी और इस जितने भी एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके उससे अटैच नहीं हो पाएंगे। अब अगर वो अटैचमेंट नहीं हो पाएगा तो बॉडी को ये लगेगा कि उसके पास एस्ट्रोजन ड्रॉप हो गया है।
तो जब मेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो मेल बॉडी में सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है जो एस्ट्रोजन को बढ़ा सकता है, जिसको हम बोलते हैं अरोमाटाइजेशन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को एक अरोमाटेज एंजाइम के साथ मर्ज करके हमारी बॉडी एक नया हार्मोन तैयार करती है जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में और एस्ट्रोजन नहीं आएगा। तो इवेंचुअली बॉडी को इस स्टेट तक पहुंचाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए उसे दो हॉर्मोन्स को रिलीज करना पड़ता है, LH और FSH। तो जिन लोगों ने मेरा हाउ टू स्टार्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखें, ताकि उनको समझ में आए कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ताकि ये और डिटेल में वो समझ सकें। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जाके ऊपर, तो इवेंचुअली बॉडी को LH और FSH लेवल बढ़ाने पड़ते हैं जिससे और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ती है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ती है, और उससे ये बॉडी को ये लगता है कि और एस्ट्रोजन बनाओ और एस्ट्रोजन बनाओ। तो क्योंकि अब एस्ट्रोजन बढ़ा तो रही है बॉडी, मगर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इवेंचुअली बॉडी को ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना पड़ता है, जिससे लोगों की जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन वो रेगुलेट हो जाती है। तो यही है इनके दोनों मेडिसिन के मेन यूज़, जिनकी वजह से ये दोनों दवाएँ PCT में यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं कि इन दवाओं से आने वाले साइड इफेक्ट्स के ऊपर। इस दवा के साइड इफेक्ट्स को समझने से पहले आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दवा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाती है। अब अगर ये दवा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इसने बाइंड किया हुआ है तो हमारी बॉडी में लो एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोजन तो है मगर वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके एक्ट नहीं कर रहा है, यानी जो फ़ायदे हमें एस्ट्रोजन देता है अब वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही वो फ़ायदे मिलना बंद होंगे होगा क्या कि लो एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो लो एस्ट्रोजन में आने वाले साइड इफेक्ट्स हैं आपका सबसे पहला जॉइंट पेन और जॉइंट सॉरनेस, यानी कि आपके जॉइंट्स हैं वो सूज जाएंगे या फिर पेन करेंगे। तो जनरली होता ये है कि जब लोग PCT कर रहे होते हैं तो वो अच्छा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जब वो लिफ्ट करते हैं तो उनकी जो बोन्स हैं वो आवाज़ करती हैं जब वो कोई पुश या पुल की मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर गए होते हैं जब वो PCT कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल। मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाता है आपका न्यूरल सिस्टम डिसऑर्डर तक, यानी आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप इनका यूज़ करेंगे बहुत लंबे समय तक। अब वो बहुत लंबा समय क्या हो सकता है, मैक्सिमम 4 वीक्स है, 4 वीक्स से ज़्यादा इन मेडिसिन का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब ब्रेन में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बात करते हैं उसके ऊपर। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के डायरेक्ट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर होते हैं E2R रिसेप्टर्स, यानी कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे। अब क्योंकि आपने एस्ट्रोजन इनको बाइंड कर दिया है तो अब एस्ट्रोजन जो है उन रिसेप्टर के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी, जैसे कि एक्सेसिव मूड स्विंग्स होना, आपको जो है कोई न्यूरल डिसऑर्डर हो जाना, या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाना, ये भी इन मेडिसिंस के थ्रू देखा गया है अगर आप इनको लंबे समय तक यूज़ करते हैं। तो बात आता है कि कितना यूज़ करें, तो कितना सिर्फ इतना ही है कि आप 4 हफ्तों से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, 4 हफ्तों से ज़्यादा रिस्क हो सकता है यूज़ करना। स्टिल आपको लगता है कि आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हुई है तो उस रिकवरी, ये इनका काम है सिर्फ आपको किक स्टार्ट देना, बाकी की रिकवरी जो है वो आपको खुद करनी है बॉडी की। अगर आप एक बार दोबारा एक स्टेर साइकिल करके दोबारा साइकिल नहीं लेते हैं तो इवेंचुअली बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर करेगी। जैसे उसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे करके डाउन होती है ऐसी वो धीरे धीरे करके वापस से बढ़ा देगी, मगर 1 महीने में आपको इनफ रिकवरी मिल जाएगी। उसके बाद आपको सारा एक्सरसाइज और उससे ही रिकवरी करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे भी आगे मैं मेडिसिन से रिकवरी करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, और जो ये सो कॉल्ड बुद्धू ट्रेनर्स हैं इनसे तो बच के रहिए।
ये तीन तीन चार चार महीनों तक लोगों को क्लोमिड और नोलवाडेक्स खिलाते रहते हैं, और जैसे ही उनका वो बंद होता है वापस से उनको इंजेक्शन लगा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो भैया बच के रहिए, बहुत रिस्की है, इन लोगों को मत सुनिए। इन्होंने ना तो कभी पढ़ा है ना कभी सुना है, और मेरे हिसाब से आप इनफ जहनी लोग हैं, आपके पास बहुत दिमाग है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। पढ़िए, यहाँ वहाँ जाके वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रिप्टोलिन के ऊपर। ट्रिप्टोलिन एक बड़ा ही अमेजिंग इंजेक्शन जो है मार्केट में बिक रहा है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच गाइस।